सच सच और सिर्फ सच सवालों के घेरे में घिर चुके हैं एक डॉक्टर। लेकिन सवालों का जवाब भी आ रहा है। कुछ ऐसे सवाल है जो उन्हें परेशान जरूर करेंगे। हो सकता है कि सवालों का जवाब ही ना है, ये भी हो सकता है हमेशा की तरह यहां भी उनकी दवा और दुआ काम कर जाए। तो मैं स्वागत कर रहा हूं फिर से डॉक्टर साहब का, डॉक्टर रमेश आपके साथ। सच की कसम है, कहा है जो कहेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन आजकल डॉक्टर साहब भी परेशान है, परेशानी की वजह जरूर बताएंगे। लेकिन इस सवाल के साथ डॉक्टर रमेश जी आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए था। आईजीएमसी में हर दूसरे तीसरे दिन एक डेड बॉडी पहुंचती है। अगर कारण पूछा जाए तो कारण होता है आत्महत्या का। क्या आप मानते हैं कि इस मामले को लेकर आप भी परेशान हैं? जी, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, इसमें बढ़ोतरी हुई है। खासकर हमारा युवा वर्ग जो है वो इसमें ज़्यादा चपेट में है। इसके कारण जो हमारे बिखरते परिवार हैं, जो पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे, उसमें लोग इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे, छोटे घर होते थे, छोटे घरों में सब रहते थे, इकट्ठे रहते थे। अब परिवार बिखरते जा रहे हैं, एक परिवार में भी लोग सब अपने अपने कमरों में रहते हैं। जब कोई डिप्रेशन की बात होती है या कोई इस तरह की बात आती है जो आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित करती है, उसको उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं होता। एकाकी जो रहना, लोग अकेले में रहना पसंद करते हैं, ये एक सबसे बड़ी वजह है। और सबसे बड़ी वजह इसकी है नशाखोरी, जो आज के इसमें बहुत बढ़ गई है। हमारा आज का युवा वर्ग नशे की चपेट में है, और जब नशा टूटता है वो डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद जब इस तरह के अति इसमें चले जाते हैं तो इतना बड़ा कदम उठाते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है। इसमें भी परिवार ख़त्म हो रहे हैं, और इसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों से बाहर आएं। जो हमारा पहले रहन सहन था, संयुक्त परिवारों का चलन था, आपस में परिवारों का, रिश्तेदारों का मेल जोल होता था, उस तरह का अगर लाइफस्टाइल हम दोबारा से अपनाने की कोशिश करें तो शायद हम इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं इनसे हम इनसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप हैरान हैं, हैरानी यहाँ भी कम नहीं। लेकिन आज तक जो सुसाइड का मामला सामने आ रहा है उसमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियां या विवाहिता है। एक पर्सन, एक इंसान जब जिंदगी जी रहा होता है और वो कहता है कि इस जिंदगी को खत्म करके इस दुनिया को गुड बाय कहा जाए, उस समय उस पर्सन के सामने अगर स्थिति की बात करें तो होती क्या है? क्यों डिप्रेशन में जब आदमी चला जाता है, उसको लगता है कि संसार खत्म हो गया हुआ है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। जो अकेलेपन की भावना उसमें आती है, उसमें जब उसके दिल में ये बात घर कर जाती है कि अब तो संसार खत्म ही हो गया, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो इस तरह के कदम उठा लेता है। इस बीच अगर कोई सच्चा दोस्त, कोई सच्चा प्रेमी, आपस में रिश्तेदार आ जाए, उसकी टेलीफोन कॉल आ जाए, बात आई गई हो जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए बीच बीच में हम लोगों को एक दूसरे को टेलीफोन कॉल्स, फोन, SMS और एक दूसरे का हाल चाल पूछने की आदत रखनी चाहिए, जिससे इस तरह की जो स्थितियां पैदा होती हैं उससे छुटकारा पाया जा सके। दरअसल एक सुसाइड नोट को पढ़कर हमारी आंखें बेलगाम हुई, हमारे आंखों से अश छलक आए। बात मेरे कलाहान कसुंटी की, जहां एक छोटी सी उम्र की लड़की ने आत्महत्या करने से पहले एक ऐसा सुसाइड नोट लिखा जो हैरान करने वाला था। लड़की ने एक ऐसी बात अपने पिता को नहीं बताई जिसे वो चाहती थी, उसने इसका खुलासा नहीं किया मरते दम तक। लेकिन जब उसने खुलासा किया तब वो इस दुनिया में ही नहीं थी। अगर इस सिचुएशन की बात करें तो डॉक्टर साहब आप किस तरीके से देखेंगे? फिर वही बात आ जाती है अकेलेपन की। सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हुए, जब से ये
आपके परिवर्तन आया है लाइफस्टाइल में। घरों में लोग टेलीविजन अपने अपने कमरों में व्यस्त रहते हैं, अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे का दुख समझने का टाइम किसी के पास नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं की को देखने का किसी के पास समय नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को नहीं देखते क्या कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को नहीं देखते कि इनकी क्या समस्याएं हैं, सब अलग थलग पड़ गए हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ये सबसे बड़ी इसमें मुझे लगता है बाधा है जिस वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। ऐसा एक निजी सवाल है, मंडी में जिस गांव से आप संबंध रखते हैं वहां मैं ये कहूंगा कि शायद चंद वहां डॉक्टर होंगे। एक वो समय था जब स्कूल से आप कॉलेज पहुंचे, कॉलेज से एक डिग्री आपके हाथ में थी और आपके नाम क्या गया डॉक्टर अल्फाज जुड़ गया था, जैसे कि साफ सुधरे में भगवान की तरह एक डॉक्टर को देखा जाता है। बात गांव की करते हैं, शायद उम्मीदें गांव वालों की ज्यादा बढ़ गई थी जब एक पिता के सामने एक बेटा डॉक्टर बनकर खड़ा था, उनके गोल क्या थे उस समय? बहुत अच्छा लगा उन्हें जब मेरी सिलेक्शन हुई, तो किसी को भी इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे थे कि नाम के आगे डॉक्टर जुड़े, और डॉक्टर जुड़ने के बाद उसको उसका सही सदुपयोग ज़िंदगी में कर पाऊँ, ऐसे ही मेरा बचपन से ही सपना था। जब से ये नाम जुड़ा आ जा ही रहे मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मेरे पेरेंट्स को भी मेरे दोस्तों को भी नाम के आगे जब डॉक्टर लगा तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। डॉक्टर साहब एक सवाल करते आपसे, स्कूल की बात कर रहा हूं आपसे, जब कोई पेशेंट सही हो जाता है, बीमारी से उसको छुटकारा मिल जाता है, तब आपके मन के अंदर जो खुशी का उबाल आता है उसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा लग जब कोई आदमी हमारे पास से ठीक होके जाता है, उसको हम मदद कर पाते हैं और उसको उम्मीद भी नहीं होती कि मैं ठीक हो पाऊँगा, और जब हमारे यहाँ से वो जा रहा होता है उसकी आंखों में जो उसकी धन्यवाद की जो झलक होती है उसको देख के बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि हम इस आदमी के लिए कुछ कर पाए। डॉक्टर साहब सुना है देखा भी है कई बार मरीजों को आपने अपने गाड़ी से भी ड्रॉप किया, उनकी पूर्ण तरीके से मदद भी की, अगर ऐसे किसी मामले की बात करें तो क्या आप इस बात को शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसा अक्सर होता है, लोग अस्पताल से जब छुट्टी होती है तो उनके पास जाने के साधन ही नहीं होते कि बस स्टैंड कैसे जाया जाए, शिमला में बस स्टैंड बहुत दूर है या संजोली है, दूसरे आसपास के इलाके हैं जहाँ जाना हो। तो जब मैं फ्री होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, मैं 10-15 मिनट लगते हैं मैं छोड़ देता हूँ, अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है कोई आदमी आके अचानक ही मदद कर गया, अचानक ही बैग उठा के गाड़ी में रखे, तो उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी सेटिस्फेक्शन होती है कि कोई अच्छा काम मैं कर गया। डॉक्टर साहब आपके ऑफिस में जब आया जाता है ऐसा क्या है कि आप अपनों को किनारे कर देते हैं और आप मरीजों के साथ मस्त हो जाते हैं, उनकी बात सुनने में आप ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो क्या ये कहा जाए कि आपके लिए मरीज सबसे बड़ी प्राथमिकता है? बिल्कुल, पर वहाँ पर अपने प्राय की जैसी तो कोई बात ही नहीं होती, हम सभी को अपना सोच के चलते हैं, जो अपने हैं वो तो अपने हैं ही, जो अपने को बेगाना सोच के अस्पताल में आते हैं उनको जब हम अपना के उनसे बात करते हैं, अपनेपन से बात करते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और एक अजीब सी खुशी मिलती है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है अपनेपन से मजबूर आदमी से बात करना, गरीब आदमी से बात करना, उसको सही रास्ता दिखाना। हम कोशिश करते हैं उनके और जो डॉक्टर्स हैं अस्पताल के उनके बीच में एक पुल का काम करने का, ताकि उनकी भावनाएं डॉक्टरों तक पहुंच सके, उनको इतने बड़े समुद्र में पता ही नहीं लगता कि जाना कहाँ है, किस रास्ते से रिपोर्ट लेनी है, किस रास्ते से ओपीडी में जाना है, तो हम कोशिश करते हैं एक एक को समझाने की कि ये सही रास्ता है। डॉक्टर साहब कई सवाल आए आप तक, जवाब आपने दिया भी लेकिन दवा काम नहीं आई,
दरअसल हाल ही में भी एक बयान आपका आया था तहकीकात पर, याद कीजिए। चलिए शुरुआत मैं ही करता हूं। 3 महीने का एक मासूम, 3 महीने का एक बच्चा आपके हॉस्पिटल पे पाया जाता है। आपकी नर्स ने उस बच्चे को उठाया, गले से लगाया और आज हालत यह है कि वहां एक लंबी कतार लग चुकी है उस बच्चे को हासिल करने के लिए। सबसे पहले यह खबर आप तक ही पहुंची थी, आपका सोचना क्या था? बहुत अजीब सा लगा, जब ऐसे पैदा होते ही बच्चे छोड़ते तो हमने बहुत से सुने थे, लेकिन 3 महीने का साफ सुथरा स्वस्थ बच्चा, लड़का बैग में अस्पताल में लाके छोड़ना बड़ी अजीब सी घटना थी, वो भी रात्रि के समय, तो जाहिर है बहुत ही बुरा लगा। सुना कि उस बच्चे के कई दीवाने भी हो चुके, आपके जो हॉस्पिटल की नर्स है जब भी उन्हें वक्त मिलता है तो चुपचाप वो एंट्री भी कर जाती है उस बच्चे के पास, आपसे क्या कहेंगे? देखिए बच्चा तो अब हमारे पास नहीं है, बच्चा शिशु गृह में है, पुलिस के हवाले में है और मामला सरकारी मामला है। और जब से खबर आई है बहुत सारे लोग हम लोगों से अस्पताल में और बाहर संपर्क कर रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए, तो हम उनको गाइड कर रहे हैं कि आप अप्लाई करिए सरकारी माध्यम से, और जो भी इसकी अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज़ हैं अडॉप्शन के कानून के अंतर्गत है, आप सरकार से संपर्क करिए। अस्पताल में तो सिर्फ मिला था, कौन इसको छोड़ के लाया, किस वजह से छोड़ा होगा, माँ बाप ने छोड़ा है कि कोई और लेके आया था, ये तो भी समय के साथ ही पता लगेगा। लाइलाज, सवालों का इलाज हो गया, सवाल गंभीर और जवाब के साथ वापस भी आ गए। डॉक्टर रमेश ने हर सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन कोशिश फिर जारी है, एक ऐसे चेहरे को आप तक जरूर आएंगे जो कहेंगे सच, कहेंगे सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहेंगे, फिर कहते तो हम ही झूठ बोले कौवा काटे। तो धन्यवाद करता हूं तहे दिल से डॉक्टर रमेश जी का, और कामना करता हूं कि आगे भी जिस तर्ज पर वो अपनी सेवा दे रहे हैं उस तर्ज पर अपनी सेवा देते रहे। तो शशि किशन में आज बस इतना ही, आप देखते रहे हिमाचल की नंबर 1 आवाज सिटी चैनल, और संजीव शर्मा को दीजिए इजाजत।